बजट सत्र से पहले सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक, कल से शुरू होगा बजट सत्र। बजट पर मोदी सरकार की सहमति बनाने की कोशिश, आज ही एनडीए के घटक दलों की भी बैठक बुलाई गई। भारत जोड़ो यात्रा का समापन आज होगा, श्रीनगर के शेरे कश्मीर स्टेडियम में होगी बड़ी रैली, प्रमुख विपक्षी दलों के नेता रहेंगे मौजूद। राहुल गांधी का गृहमंत्री अमित शाह पर बड़ा हमला, श्रीनगर में बोले कश्मीर में हालात अच्छे हैं तो लाल चौक तक यात्रा करके पैदल दिखाएं। राहुल गांधी ने लाल चौक पर फहराया तिरंगा, बीजेपी बोली पीएम मोदी की वजह से हुआ ऐसा मुमकिन, तिरंगा फहराने का श्रेय मोदी सरकार को। राहुल ने सरकार को सीमा विवाद पर भी घेरा, कहा चीन का भारत के 2000 किलोमीटर जमीन पर कब्जा, सरकार सच छिपाना चाहती है। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नव दास के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, आरोपी एएसआई हिरासत में लिया गया, आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। हिमाचल के शिमला में ताजा बर्फबारी, शिमला के नारकंडा। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं, आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सड़कों पर जमी बर्फ, घर की छतें भी बर्फ से ढकी। दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में मौसम ने ली करवट, कई इलाकों में तेज बारिश, अगले कुछ घंटे भी बारिश का अनुमान। राजस्थान के कई जिलों में तापमान में गिरावट, उदयपुर में हुई बारिश, पूर्वी जिलों में बूंदाबांदी जारी रहने की आशंका। हिंडनबर्ग रिसर्च के सवालों पर अडानी ग्रुप ने दिया जवाब, कहा रिपोर्ट में गलत सूचना का इस्तेमाल, ऑडिट और कंपनियों के सवालों पर दिया जवाब। पीएम मोदी का मंत्रियों को निर्देश, भारत के लिए G20 की अध्यक्षता एक बड़ी उपलब्धि, सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाएं। दरभंगा में बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े का बड़ा बयान, अब किसी सूरत में जेडीयू से गठबंधन नहीं, बीजेपी के अकेले चुनाव लड़ने के संकेत दिए। समाजवादी पार्टी ने किया नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन, शिवपाल यादव समेत 14 लोगों को राष्ट्रीय महासचिव बनाया, 62 सदस्यीय है राष्ट्रीय कार्यकारिणी। बीबीसी की बैंड डॉक्यूमेंट्री पर ब्रिटेन में भी विरोध, लंदन के पोर्टलैंड पैलेस में भारतीय प्रवासियों ने किया पीएम मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री का विरोध। दिल्ली में विजय चौक पर जवानों का जोश आए, बारिश के बावजूद जवानों ने किया बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन, गणतंत्र दिवस समारोह के औपचारिक समापन का प्रतीक है। अग्निवीर धुन से विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की हुई शुरुआत, कार्यक्रम में गूंजी कई खास तरह की धुनें, सारे जहां से अच्छा की धुन के साथ हुआ समापन। दिल्ली में बारिश की वजह से ड्रोन शो हुआ कैंसिल, 3500 स्वदेशी ड्रोन से होना था भारत का सबसे बड़ा ड्रोन शो। मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे ने बुलाई सांसदों की बैठक, चुनाव आयोग के नतीजों पर हो सकती है चर्चा। सीएम केजरीवाल आज लॉन्च करेंगे रियल टाइम सोर्स अपॉर्चमेंट स्टडी, दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजहों का पता लगाना होगा आसान। पूर्वी दिल्ली की जनता को सीएम केजरीवाल की सौगात, 110 लाख लीटर की क्षमता वाला जलाशय और बूस्टर किया समर्पित। हरियाणा के रेवाड़ी में 2 कारों की हुई टक्कर, 3 लोगों की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी, 1 कार के ड्राइवर के कंट्रोल खो देने के बाद हुआ यह हादसा। यूपी के शाहजहांपुर में 3 युवकों को गुंडों ने बीच बाजार पीटा, लाठी डंडों से किया हमला, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 नामजद सहित 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यूपी के मऊ में अवैध शराब बेचते हुए 3 लोग गिरफ्तार, घर से बेची जा रही थी शराब, पुलिस ने मारा छापा। बिहार के बीडी जेजनी इंटर कॉलेज के पास लगी आग, घटना में 5 घर जलकर हुए खाक, आग लगने की वजह साफ नहीं। बिहार के खगड़िया में 1 दुकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का शक। लेह में आया भूस्खलन, हादसे में 2 लड़कियों की मौत, दोनों शव किए गए बरामद। नवी मुंबई में 1 लकड़ी की कंपनी में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। दिल्ली के नजफगढ़ में गिरी 3 मंजिला इमारत, 3 लोगों को किया गया रेस्क्यू, लोगों में मची अफरा तफरी। पुणे में ईडी ने बैंक फ्रॉड के आरोपी के घर की छापेमारी की, 40 लाख नकद और 3 करोड़ की ज्वेलरी बरामद, बड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। यूपी के गाजियाबाद में पुरानी रंजिश की वजह से एक युवक की हत्या, शव को बोरी में रखकर नहर में फेंका, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। कानपुर में चोर ने किराने की दुकान से की चोरी, झोला उठाने का लाइव वीडियो वायरल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के हापुड़ में युवक ने थाने के सामने बैठकर हुक्का पीते हुए वीडियो बनाया, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। यूपी के गाजियाबाद में नई इलेक्ट्रिक कार के टायर चोरी, 4 टायर चोरी कर फरार हुए चोर, पुलिस प्रशासन पर खड़े हुए कई सवाल। गाजियाबाद में युवक ने साथियों के साथ मिलकर की दूसरे युवक की हत्या, पुलिस ने किया इस मामले का खुलासा, पूरी प्लानिंग के साथ वारदात को दिया गया अंजाम।
गुजरात में जूनियर क्लर्क की परीक्षा का पर्चा लीक। एटीएस ने वडोदरा से गिरफ्तार किए 15 आरोपी। केजरीवाल ने युवाओं के भविष्य से खेलने के आरोप लगाए। यूपी के बांदा में पेट्रोल पंप पर सरेआम छेड़खानी। पुलिस ने आरोपी की अवैध संपत्ति पर चलाया बुलडोजर। दलित दिव्यांग दंपत्ति और उनके परिवार के साथ मारपीट। दबंगों की शिकायत करने पर फिर की मारपीट। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। लखनऊ में इंडिया न्यूजीलैंड मैच की वजह से लगा जाम। एकाना स्टेडियम के पास लगा कई किलोमीटर लंबा जाम। लखनऊ ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था हुई खराब। यूपी के महोबा में बीजेपी नेता की गोली लगने से मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। आगे की कार्रवाई जारी। यूपी के चंदौली में करंट लगने से किसान की मौत। गेहूं की फसल को पानी देते वक्त लगा करंट। बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। यूपी के कौशाम्बी में नशे में धुत युवक ने किया कुल्हाड़ी से हमला। घटना में 5 लोगों को आई चोट। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। यूपी के चंदौली में वन क्षेत्र से हटवाया गया अतिक्रमण। अतिक्रमणकारियों और वन विभाग की टीम के बीच हुई नोकझोंक। 50 हेक्टेयर जमीन कराई गई खाली। बिहार के बेगूसराय में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों में हुई मारपीट। दो लोग गंभीर रूप से घायल। दोनों की हालत नाजुक। बेगूसराय में सरस्वती प्रतिमा के विसर्जन के दौरान डूबे 3 लोग। 3 अलग अलग इलाकों में हुए हादसे। बिहार के जमुई में हथियार के साथ पकड़ा गया युवक। युवक के पास से एक कारतूस भी बरामद। गिरफ्तार युवक से पूछताछ जारी। बिहार के नालंदा में 55 साल के शख्स का शव बरामद। इलाके में फैली सनसनी। मृतक के परिवार वालों ने हत्या का जताया शक। बिहार के नालंदा में तेज रफ्तार कार ने हाईवे पर मारी टक्कर। कार सवार 4 लोग बुरी तरह से घायल हुए। अस्पताल ले जाते वक्त एक शख्स की मौत। मुजफ्फरपुर में बर्फ फैक्ट्री में हादसा। पानी के हौज में गिरने से मजदूर की मौत। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। बिहार के लखीसराय में एक शख्स ने शराब के नशे में किया हंगामा। पुलिस ने गिरफ्तार कर मेडिकल जांच कराई। शराबबंदी की फिर खुली पोल। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में मोटर बोट पलटने से हुआ हादसा। बोट सवार सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। गोपालगंज में क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद। दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। एक युवक गंभीर रूप से घायल। मधेपुरा में नाबालिग बच्ची की संदिग्ध मौत पर बवाल। कार्रवाई नहीं होने से नाराज लोगों ने किया थाने का घेराव। दरोगा को बनाया बंधक। महाराष्ट्र के वसई में ट्रक की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत। सरकारी अनाज ले जा रहा था ट्रक। नासिक में एक ही परिवार के 3 लोगों ने की आत्महत्या। सुसाइड की वजह अभी साफ नहीं। महाराष्ट्र में स्कूल ग्रांट के लिए आमरण अनशन पर बैठे संस्थापक और शिक्षक। कहा राज्य के 165 स्कूल और 4,500 शिक्षक वेतन से वंचित। महाराष्ट्र के वसई में रेत में फंसी स्कॉर्पियो कार। दूसरी गाड़ी की मदद से खींचकर निकाली गई ये गाड़ी। एमपी के छतरपुर में युवक की गोली मारकर हत्या। पुरानी रंजिश में दिया गया वारदात को अंजाम। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में चक्का जाम पर बैठे ग्रामीणों के साथ हादसा। जंगल से लकड़ी ले जाते वक्त पलटा ट्रैक्टर। हादसे में एक व्यक्ति की मौत। 5 लोग घायल। एमपी के हरदा में किसानों को मिलेगी बड़ी सौगात। 2 करोड़ रुपए की लागत से सबस्टेशन का तैयार होने का प्लान बनाया गया है। एमपी के हरदा में युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। मौके से सुसाइड नोट भी बरामद। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। राजस्थान के जयपुर में चलती एसयूवी कार में लगी आग। दिल्ली जयपुर हाईवे पर कार सवार 5 लोगों ने उतरकर बचाई जान। गाड़ी जलकर हुई राख। इंदौर में शॉपिंग मॉल में युवक को स्टंट करना पड़ा महंगा। रेलिंग से कूदकर बना रहा था वीडियो। पुलिस ने धारा 151 के तहत कार्रवाई की। एमपी के छतरपुर में मामूली विवाद में युवक पर हमला। नाई की दुकान पर छुरे से किया अटैक। घायल युवक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। इंदौर जिला कोर्टरूम से पकड़ी गई पीएफआई की महिला जासूस। कोर्ट की सुनवाई की कर रही थी रिकॉर्डिंग। मामले के कई एंगल से हो रही है जांच। महाराष्ट्र के जालना में आरक्षण की मांग को लेकर हजारों लोगों का प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान आक्रामक हुए ग्रामीण। जबलपुर में सड़क पर खड़ी कार में लगी अचानक आग। पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग। एमपी के सीधी में अनुसूचित जाति जनजाति संघ का चक्का जाम। भीमराव अंबेडकर और बिरसा मुंडा की मूर्ति तोड़ने के आरोपी के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी सफलता। 4,75,00,000 रुपए का सोना किया जब्त। 2 विदेशी यात्रियों को किया गिरफ्तार। मुंबई के शिवाजी पार्क में सकल हिंदू समाज का मोर्चा। लव जिहाद को लेकर कड़े कानून बनाने की उठाई मांग। मुंबई के आजाद मैदान में लिंगायत समाज का महामोर्चा। लिंगायत धर्म को संवैधानिक मान्यता दिए जाने की मांग। राज्य में अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने की भी उठाई मांग। अजमेर में सीएम केजरीवाल ने मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के लिए पेश की चादर। अमन चैन और तरक्की की कामना की।
अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा के लिए नेपाल से लाई जा रही है 2 शालिग्राम शिलाएं। 6 करोड़ साल पुरानी शिलाएं 2 फरवरी को अयोध्या पहुंचेंगी। ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी समर्थकों की गुंडागर्दी, तिरंगा लहरा रहे छात्रों के साथ की मारपीट। पाकिस्तान में महंगाई ने तोड़ा रिकॉर्ड, पेट्रोल डीजल के दाम में 35-35 रुपए की बढ़ोतरी। पाकिस्तान में बड़ा हादसा, बलूचिस्तान में पुल से खाई में गिरी बस, हादसे में 40 लोगों की मौत। पाकिस्तान में दर्दनाक हादसा, खैबर पख्तूनख्वा में झील में नाव डूबने से 10 बच्चों की मौत, नाव पर करीब 25 छात्र सवार थे। स्पेन में भारी बर्फबारी, बर्फ की वजह से 37 किलोमीटर तक सड़कें बंद हुई, स्नोफॉल का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। ईरान के इंस्फान शहर की मिलिट्री फैक्ट्री में जोरदार धमाका, अज्ञात हमलावरों ने किया ड्रोन अटैक, ईरान ने 2 ड्रोन मार गिराए। ईरान में हमले में इस्तेमाल हुए ड्रोन दिखाए गए, रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 3 ड्रोन से हुआ था अटैक, 2 मार गिराए गए। पेरू में राजनीतिक संकट के बीच विरोध प्रदर्शन तेज, पुलिस के साथ झड़प में एक और प्रदर्शनकारी की मौत। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान, पूर्वी दोनेत्स्क क्षेत्र में रूस के हमले जारी हैं, हमलों का सामना करने के लिए और हथियारों की जरूरत। खरसौन में रूसी हमले से भारी नुकसान, हमले के बाद का वीडियो जारी, कई इमारतें हुई तबाह। खरसौन में रूसी हमले में 3 लोग मारे गए, यूक्रेन ने किया दावा, हमले में स्कूल और अस्पताल भी हुए तबाह। रूसी विदेश मंत्रालय का यूक्रेन पर आरोप, रूस के इलाके में जानबूझकर अस्पताल को निशाना बनाया गया, 14 लोगों की जान गई। यूक्रेन युद्ध में मारे गए ब्रिटिश नागरिक को दी गई श्रद्धांजलि, एंड्रू स्वयंसेवक के तौर पर काम कर रहे थे। यरूशलेम आतंकी हमले में मारे गए इजरायली नागरिक का अंतिम संस्कार, गोलीबारी में कुल 7 लोग मारे गए थे। शूटिंग हमले के पीड़ितों से मिले इजरायल के प्रधानमंत्री, यरूशलेम के हदासाह मेडिकल सेंटर का किया दौरा। लॉस एंजलिस में टायर निकोलस के लिए न्याय की मांग, सड़कों पर जबरदस्त प्रदर्शन। भारत ने जीता अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप, टीम ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। टीम इंडिया को मिला था 69 रन्स का टारगेट, भारत ने 14 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल किया ये लक्ष्य। फाइनल में 2 विकेट लेने वाले टिटास साधु को मिला प्लेयर ऑफ द मैच, इंग्लैंड की कप्तान ग्रेस सीवंस बनी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। भारतीय महिला टीम की जीत पर पीएम मोदी ने दी बधाई, देश में जश्न का माहौल। टूर्नामेंट जीतने पर बीसीसीआई सचिव जय शाह ने की इनाम की घोषणा, महिला क्रिकेट टीम और सपोर्ट स्टाफ को बोर्ड देगा 5 करोड़ रुपए। अंडर-19 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत पर सीएम योगी ने भी दी बधाई, कहा टीम की अटूट लगन और कड़ी मेहनत से मिली ये कामयाबी। भारत ने जीता 2वां T20, टीम ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया, 3 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी। सूर्य कुमार यादव बने प्लेयर ऑफ द मैच, भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह ने लिए 2 विकेट। जबलपुर में आज से खेलो इंडिया यूथ गेम्स की होगी शुरुआत, 28 राज्यों के करीब 1000 प्रतिभागी लेंगे हिस्सा। जर्मनी ने जीता हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब, बेल्जियम को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हराया, तीसरी बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम की। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।